हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं कोई गार्डनिंग का प्लांट का वीडियो नहीं शेयर करूंगी। आज मैंने जो ये नींबू मिर्ची का अचार बनाया है चटपटा और बिना तेल का, यही आपसे शेयर करूंगी कि कैसे मैंने इसको बनाया, नींबू मिर्ची का क्या रेशियो है और इसमें कौन कौन से मसाले मैंने मिक्स किया। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, आगे देखिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो। फ्रेंड, नींबू मिर्ची का अचार बनाने के लिए मैंने ले लिया है आधा किलो नींबू। अब इस तरह से खूब पके हुए नींबू, देखिए खूब अच्छी साइज के हैं। इस समय बरसात में नींबू थोड़ा सस्ते मिलते हैं, इस समय इसका अचार बनाना बहुत आसान होता है और नींबू मिर्ची के अचार में जो है कोई खास खर्चा नहीं आता है। आज मैं जो अचार बना रही हूँ ये बिल्कुल ऑयल फ्री है, इसमें तेल नहीं पड़ेगा, केवल 3-4 मसाले, नमक और ये नींबू और ये मिर्ची। तो बनाने के लिए मैंने आधा किलो नींबू ले लिया है और ये 150 ग्राम मिर्ची, जिनकी कि मैं डंठल तोड़ के, तोड़ने से पहले 3-4 पानी धुल के उसके बाद डंठल तोड़ के मैंने धूप में खूब अच्छे से सुखा लिया है। और काफ़ी हल्दी मिर्चें हैं कड़वी वाली, और नींबू का भी यही प्रोसेस मैंने किया। नींबू को भी 3-4 पानी धुल के और कपड़े से, साफ कपड़े से पोंछ के, और इसको मैंने जो है धूप में खूब सुखा लिया है। देख रहे हैं एक एक नींबू बिल्कुल सूख गए हैं, इनमें बिल्कुल मॉइस्चर नहीं है। अब इनको मैं कट करूंगी, आप कट करना आपकी मर्जी पे है। आप 20 से 2 पीस भी करते हैं, 4 पीस भी कर सकते हैं, बहुत लोग बहुत छोटा छोटा तो 8 पीस भी एक नींबू में कर सकते हैं, नींबू की साइज अच्छी है। तो चलिए हम नींबू काटते हैं। देखिए फ्रेंड, नींबू के मैंने एक नींबू में 4 पीस कर लिया, एक बहुत छोटा था तो उसका केवल 2 पीस किया। इस तरह से 4-4 पीस मैंने सारे नींबू के कर लिए और जो मिर्च थी मैंने सुखा रखी थी धो पोंछ के, तो उसको भी मैंने एक एक मिर्च का बीज से उसको फाड़ के फिर उसको बीच से काट दिया, तो 4-4 पीस इसके भी हो गए। इस तरह से ये मेरी मिर्ची और नींबू तैयार है। और इसको बनाने के लिए कोई खास ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं होती है। ये देखिए मैंने सौंफ ले रखी है, वो भी करीब 25 ग्राम, जीरा लिया है मैंने ये भी 25 ग्राम होगा, और ये काली मिर्च भी 25 ग्राम इन, और ये नमक, देखिए नमक मैंने ले लिया है। तो इन मसालों को मैं थोड़ा रोस्ट करके और ग्राइंड करके तब इसमें डालूंगी, क्योंकि मसालों का मॉइस्चर निकल जाए, बस इतना ही करेंगे, ज़्यादा नहीं डालना। इस तरह से अब हम मसाले की तरफ चलते हैं। ये दोनों मिर्च और नींबू मेरा कट वट के तैयार है, अब मैं मसाले तैयार करके फिर इसमें मिक्स करूँगी। देखिए फिर मैंने सौंफ, जीरा और काली मिर्च को हल्का सा रोस्ट कर लिया कि उसका मॉइस्चर निकल जाए, और फिर ये देखिए दरदरा ग्राइंड कर लिया है मिक्सर में। अब इन मसालों को और नमक मैं इन नींबू में और मिर्ची के साथ में मिला दूँगा। देखिए इस तरह से मिर्ची भी हम इसके साथ ही डाल देंगे और मिला देंगे, जिससे कि समय मसाले बराबर मिला है। अब इसमें कुछ ज़्यादा नमक, क्योंकि इसको नींबू गलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसको गलाने के लिए हमको नमक की कुछ ज़्यादा मात्रा लेनी पड़ती है। तो लगभग 6 चम्मच मैंने नमक ले लिया है, और नमक को इस तरह से हम डाल देंगे, और ये जो मसाले मैंने ग्राइंड करके लिए हैं इनको भी डाल देंगे। इसे मैं अच्छी तरह से सारे नींबू और मिर्ची में मिक्स कर दूंगी।
देखिए मसालों को मैंने मिक्स कर दिया है। देखिए हर पीस में मसाला कोट हो गया है। इस तरह से खूब अच्छे से मिला के अब ये साफ सुथरा धुल के और सुखा के धूप में दिन भर इसी डिब्बे में मैं रखूँगी। और इसमें रखने के बाद इसको कम से कम हफ्ता 10 दिन धूप दिखानी होगी, क्योंकि नींबू का अचार गलने के लिए कम से कम 10 दिन की धूप जरूरी होती है। नींबू का अचार थोड़ा देर से तैयार होता है, लेकिन हाँ बहुत चटपटा, बहुत स्वादिष्ट और बहुत फायदेमंद भी होता है स्वास्थ्य के लिए। हमें केवल काली मिर्च, जीरा, सौंफ, नमक, यही मसाले के नाम पर इतना ही चीज़ पड़ता है। देखिए फ्रेंड, ये मेरा अचार बन के तैयार हो गया। मैंने ये प्लास्टिक का साफ सुथरा जाल रखा था, इसे में मैंने भर दिया है। अब इसको हम, शाम हो रही है, शाम के टाइम हमने मिक्स किया है। रात भर हम इसको ऐसे छोड़ देंगे, सुबह धूप होगी तो धूप में रख देंगे। और इसको कम से कम 10 दिन हम कंटिन्यू धूप में रखेंगे, तब मेरा अचार बन के तैयार हो जाएगा। इस तरह से बनके चटपटा, बिना तेल का, कम खर्चे में और बहुत ही फायदेमंद अचार तैयार होगा। फ्रेंड, ये रेसिपी कैसी लगी आप जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग। टेक केयर।